नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मार्केटिंग मैनेजमेंट में आज जो मैं नया टॉपिक लेकर आई वो प्रोडक्ट डिसीजन के ऊपर लेकर आई हूँ। ठीक है, लेंथ क्या है, डेप्थ क्या है, विड्थ क्या है, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब क्या होता है कि अब आपने प्रोडक्ट का डिसीजन लेना है कि आपने प्रोडक्ट कैसे करना है, किस तरह से बनाना है। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजन जब हम लेते हैं सबसे पहले हम दो चीज़ें देखते हैं, प्रोडक्ट प्रोलीफरेशन और आपके प्राइस कटिंग। ठीक है, ये चीज़ें क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, प्रोडक्ट प्रोलीफरेशन का मतलब होता है, देखो मैंने क्या लिखा, मीन्स गिव डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ गुड्स टू कैप्चर होल मार्केट। मतलब कि क्या कर रहा है, आप क्या करो, अलग अलग वेराइटी देना शुरू कर दो मार्केट के अंदर, कोई भी जगह ना छोड़ो, हर जगह फैल जाओ। ठीक है, बल्कि आप क्या करो कि अपने प्रोडक्ट को लेकर उसके अंदर ऐसी वेराइटीज़ डाल दो कि आपका मार्केट में, हर मार्केट में आपका प्रोडक्ट बिके। ठीक है, आपने क्या कर रहा है, नीश का मतलब आप समझ रहे हैं, नीश मैंने आपको पहले बताया था, नीश का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट के अंदर बिल्कुल अंदर से घुस जाना, आप अपने निश को अंदर से फिल कर दो, तो वो आपका क्या कहलाता है, प्रोडक्ट प्रोलीफरेशन। प्रोडक्ट प्रोलीफरेशन का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को अपनी मार्केट के अंदर पूरी तरह से फैला देना है, अलग अलग वैरायटी ले लेने, ताकि आप अपनी मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर पाए। नेक्स्ट है प्राइस कटिंग। प्राइस कटिंग का मतलब होता है कि जैसे ही आपको पता लगे कि आपके प्रोडक्ट का एक अलग से कॉम्पिटिटर आ गया, सेम आपके जैसा क्वालिटी, सेम आपके जैसा साइज, सेम आपके जैसा प्राइस लेकर आ गया, तो आप उस टाइम पे क्या करो, उस टाइम पे ये टेक्निक अपनाओ कि आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दो, क्योंकि वो नया नया आया है तो वो कम अभी कर नहीं सकता। ठीक है, वो जिस प्राइस पे है वो उसी प्राइस पे आएगा, तो आप क्या करो, आप अपने प्राइस को थोड़ा बहुत कम कर दो, और जब वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगा, ठीक है, तो आप क्या करो, जब वो चला जाएगा उस मार्केट से, तब आप अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम उसी लेवल पे आप बढ़ा दो, जो आपने कम किया था उसे बढ़ा दो। ठीक है, वो क्या कहते हैं, प्राइस कटिंग, कि कई बार आपको प्राइस को कट करना पड़ जाता है, प्राइस के अंदर चेंजेस करने पड़ जाते हैं। ठीक है, जब हम प्रोडक्ट का डिसीजन लेते हैं, इसके अंदर एक तो प्रोडक्ट मिक्स है, एक प्रोडक्ट आइटम है और एक प्रोडक्ट लाइन है। ठीक है, प्रोडक्ट डिसीजंस के अंदर क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट आइटम्स और प्रोडक्ट लाइंस। प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या आता है, विड्थ, लेंथ, डेप्थ, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ क्या है वो मैं आपको एक एक अच्छे से बताऊंगी। तो अभी के लिए आपने याद रखना है प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या क्या है, अगर विड्थ आएगी प्रोडक्ट विड्थ, डेप्थ, लेंथ आपकी कंसिस्टेंसी। प्रोडक्ट आइटम क्या होता है, प्रोडक्ट आइटम का मतलब होता है कि प्रोडक्ट लाइन के अंदर कितने तरह के प्रोडक्ट हैं। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है वो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है कि आपके एक प्रोडक्ट के अंदर कितने सेम प्रोडक्ट है एक लाइन में। ठीक है, वो मैं इसको एक धीरे धीरे आपको बताऊंगी, ऐसे आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, देखो प्रोडक्ट लाइन मैंने एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। प्रोडक्ट लाइन जैसे मान लो एग्जांपल है कैडबरी और चॉकलेट्स। ठीक है, कैडबरी के अंदर अगर मैं लाइन बनाऊं तो कैडबरी की चॉकलेट्स भी आती हैं, कैडबरी के बिस्किट्स आते हैं, कैडबरी की कैंडीज भी आती हैं। तो क्या है, लाइन बन गई है कि कैडबरी के अंदर चॉकलेट भी आ रही है, बिस्किट्स भी आ रहे हैं, कैंडीज भी आ रही है। अगर मैं सिर्फ चॉकलेट की बात करूँ, चॉकलेट के अंदर कौन कौन सी लाइन बनेगी, देखो डायरी मिल्क की भी चॉकलेट आती है, अमूल की भी आती है, ठीक है, फाइव स्टार आती है, पर्क की आती है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपने चॉकलेट के अंदर लाइन बना दी और मैंने कैडबरी एक ब्रांड की लाइन बना दी। ठीक है, मतलब कि एक ब्रांड या फिर एक उसमें कितने सारी चीज़ें आ रही हैं, कैडबरी के बिस्किट आ रहे हैं, चॉकलेट्स आ रही हैं, कैंडीज आ रही हैं, और एक एक चॉकलेट के अंदर कौन कौन सी कंपनीज ऐड हैं, कौन कौन से ब्रांड हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपके प्रोडक्ट लाइन, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कैडबरी की लाइन क्या बन गई, चॉकलेट, बिस्किट, कैंडीज। अगर मैं चॉकलेट्स लूँ, चॉकलेट्स के अंदर डायरी मिल्क, अमूल, फाइव स्टार, पग, ठीक है, ऐसे आपकी लाइन बन गई है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, प्रोडक्ट लाइन। अब मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट आइटम। प्रोडक्ट आइटम का मतलब क्या है कि आपके लाइन के अंदर कितने, देखो कैडबरी की बात करो, पहली आइटम होगी चॉकलेट, दूसरी आइटम होगी बिस्किट, तीसरी आइटम्स होगी कैंडीज। तो ये क्या है कि एक लाइन के अंदर कितनी आइटम्स हैं, कैंडीज, कैडबरी के अंदर चॉकलेट्स की आइटम हैं, बिस्किट्स की आइटम्स हैं, कैंडीज की आइटम है, कैडबरी के अंदर ये तीन आइटम्स इंक्लूड होगी। तो इसको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आइटम्स, कि एक लाइन के अंदर कितनी तरह की आपकी आइटम्स हैं। ठीक है, देखो प्रोडक्ट मिक्स को याद करने का सबसे आसान तरीका है W। ठीक है, देखो मैंने क्या बनाया, W बनाया। ठीक है, 1, 2, 3। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर, विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बहुत ही अच्छे से बताऊंगी। ठीक है, इससे आप नहीं भूल पाओगे। तो आपने क्या करना है, देखो जैसे मैंने W बनाया, तो W बनाने का मेरा मेन मकसद है आप याद कर पाए। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो इसके ऊपर के कोने हैं उसको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड दे दो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो ये तीन है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है, विड्थ, क्या है, विड्थ।
प्रोडक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये क्या है हमारी विड्थ है। और जब मैं इसके अंदर बात करूँ कि प्रोडक्ट वन के अंदर चार आइटम्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टू के अंदर चार आइटम्स हैं, प्रोडक्ट थ्री के अंदर चार आइटम्स हैं, जब मैं चार आइटम्स करूँ तो ये हमारी क्या कहलाती है, डेप्थ, मतलब कि गहराई। देखो पहली आइटम सोप, सेकंड आइटम शैम्पू, थर्ड आइटम क्रीम, मैंने तीन बना दी। तो ये सोप शैम्पू क्रीम, ये चीज़ क्या कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, विड्थ है। विड्थ क्या क्या आएगी, सोप शैम्पू क्रीम, हमारी कितनी विड्थ है, थ्री। हम सोप भी बना रहे हैं, शैम्पू भी बना रहे हैं, क्रीम भी बना रहे हैं, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, विड्थ। अगर मैं डेप्थ की बात करूँ तो सोप के अंदर कौन कौन सी हैं साबुनें, कौन कौन से शैम्पू हैं, कौन कौन सी क्रीम है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो वो क्या कहलाएगी, डेप्थ। लेंथ कैसे निकालती हैं, जब मैं विड्थ और डेप्थ को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, लेंथ। तो मेरी कितनी लेंथ निकल कर आएगी इसकी, 12, ठीक है, क्योंकि विड्थ कितनी है, 3, डेप्थ कितनी है, 4, 3 × 4 = 12, ठीक है, तो मेरी 12 क्या निकली है, लेंथ। आई थिंक आपको समझ में आएगा कि विड्थ क्या होती है, डेप्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू हाउ क्लोजली रिलेटेड टू द वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स, कि जो हमने लाइन्स बनाई हैं, ठीक है, जो हमने लाइन है, हमारी प्रोडक्ट लाइन है, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या कहलाती है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपकी बात करती है आपके क्लोजनेस की, कि वो चीज़ आपके प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो आइटम्स है वो एक दूसरे से कितने रिलेटेड है, कितनी क्लोज है, ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जब भी हम प्रोडक्ट मिक्स का डिसीजन लेते हैं, ठीक है, मतलब कि कंपनी क्या चाहती है कि मैं प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाऊँ, कि उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट लाइन्स है मैं उसको इंक्रीज करूँ, तो वो दो वे से कर सकती है, लाइन स्ट्रेचिंग और लाइन फिलिंग। लाइन स्ट्रीचिंग और लाइन फिलिंग के थ्रू वो अपनी प्रोडक्ट लाइन को इंक्रीज़ कर सकती है। लाइन स्ट्रीचिंग के अंदर सबसे पहले आता है डाउन मार्केट, अप मार्केट स्ट्रेच और टू वे। डाउन मतलब आप नीचे को स्ट्रेच कर रहे हो, अप मतलब आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर रहे हो, टू वे मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से, ठीक है। अप का मतलब क्या होता है और डाउन क्या है और टू वे क्या है, ये मैं बताती हूँ। डाउन वे स्ट्रेच का मतलब होता है, मान लो आप क्या कर रहे हो, एंड में आके अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम कर देते हैं। सपोज अगर एप्पल कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दे, सपोज एप्पल के फ़ोन सस्ते में बिकने शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहलाते हैं, हम डाउन मार्केट स्ट्रेच, ठीक है, इसके अंदर क्या कहलाएंगे, डाउन मार्केट स्ट्रेच। अप मार्केट स्ट्रेच का मतलब क्या है, एक प्रोडक्ट बहुत ही गिरा हुआ, बल्कि अब तक उसका बल्कि ख़त्म हो चुका था एक किस्म से मार्केट, वो एकदम से आता है। सपोज नोकिया के फ़ोन है, अब इतना नहीं रहा, अगर नोकिया एप्पल जैसे फ़ोन लेकर आने शुरू कर दे एप्पल के कंपैरिजन में, ठीक है, उसके जैसे लेके आना लग दे, वो बढ़ना शुरू हो जाए, तो उसको क्या कहलाते हैं, अप मार्केट, कि एट द एंड आप क्या कर रहे हो, बढ़ रहे हो। डाउन का क्या है, कि आप कम कर रहे हो, अप का मतलब आप बढ़ रहे हो, बल्कि एप्पल के फ़ोन अगर सस्ते में बिकने लग जाए, बल्कि उसको क्या कर रहे हैं, हम डाउन। अप क्या है, कोई अगर नोकिया के फ़ोन एप्पल के कंपैरिजन में एप्पल जैसा बनाने लग जाए, तो उसको क्या कहलाएंगे, अप, वो बढ़ने लग रही है। टू वे क्या है, कि आप कम भी कर रहे हो और ऊपर भी उड़ रहे हो। सपोज आप प्रोडक्ट का प्राइस कम भी रख रहे हो, मतलब कि आपकी कंपनी में प्रोडक्ट हर तरह का है, सस्ता भी है महंगा भी, आप क्या कर रहे हो, दोनों वे से स्ट्रेच कर रहे हो, ठीक है। जिनको सस्ता लेना है वो सस्ता ले लो, जिसको महंगा लेना है वो महंगा ले लो, वो क्या कहलाता है, हमारा टू वे स्ट्रेच, ठीक है। ये क्या है, हमारे लाइन स्ट्रीचिंग, आपने लाइन को स्ट्रिच करना है। नेक्स्ट है आपका लाइन फिलिंग। लाइन फिलिंग का मतलब आपने लाइन को अपने फिल करना है, तो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपका आता है लाइन मॉडर्नाइजेशन। लाइन मॉडर्नाइजेशन का मतलब होता है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट की लाइन को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप क्या करो, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करो, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आओ, उसकी क्वालिटी में चेंज करो, लाइन को आप मॉडर्न लेकर आओ, मॉडर्नाइजेशन, उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजी को ऐड ऑन करो। दूसरा आप कर सकते हैं लाइन फीचरिंग। लाइन फीचरिंग का मतलब होता है कि आप एक अलग से, एक बहुत ही अच्छी ढंग से एक प्रोडक्ट लाइन तैयार करो, जो बहुत ही डिफरेंट हो लोग औरों से, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लाइन फीचरिंग। एक आता है लाइन प्रूनिंग। लाइन प्रूनिंग का मतलब होता है कि आपने एक अच्छे से उसको शेप देनी है, ठीक है। जैसे आप मान लो आपने देखा होगा पार्क के अंदर, उसको एक वो आते हैं ना, वो ऊपर से प्रूनिंग करते हैं उसको अच्छे से, पार्क के जितने भी पेड़ हैं उनको कट करके एक अच्छी सी शेप में लेकर आते हैं, है ना, आपने देखा होगा ये। तो लाइन प्रूनिंग भी वही है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे प्रोडक्ट का प्राइस कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है उसकी क्वालिटी में, तो आप एक उसकी एक अच्छी सी शेप लेकर आओ, ताकि आप मार्केट के अंदर उसको अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ, आप अपनी लाइन को और अच्छे से फिल कर पाएँ, ठीक है। ये चीज़ें हैं हमारी लाइन फिलिंग के अंदर। लाइन मॉडर्नाइजेशन,
यू ऐड सम टेक्नोलॉजी इन योर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। फीचरिंग का मतलब होता है कि आपने अपने प्रोडक्ट लाइन को एक डिफरेंट, एक अच्छी सी प्रोडक्ट लाइन तैयार करनी है, लाइन प्रूनिंग एक अच्छी सी शेप के अंदर उसको लेकर आना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।